In fact, Ranbir used to make more of fun of me. Like when we used to do, if there's any puja, like jai karna aata hai, jai karna aata hai, ye kar. I think I've become a pro now. Like yeah. I've been. Truth ye hai ki R mere life ka sabse bada. What happens with her when she sleeps, na, is that she starts moving diagonally, and eventually your bed space becomes smaller and smaller. And you know, her head is somewhere, her legs are somewhere, and eventually I'm on the corner of the bed. So I'm really struggling with that. You tolerate that? I tolerate that. She was like, sunset ho raha, I want to take the sunset photograph. And the pandit was really giving it his best shot. बेटी राहा के जन्म के समय रणवीर कपूर फिल्म एनिमल की शूटिंग में बिजी थे। फिल्म में उनका रोल बहुत ही इंटेंस है, इस कारण घर जाने से पहले वो खुद को रियल लाइफ से रियल लाइफ में स्विच कर लेते थे। अगर वो घर जाकर भी फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से एक्ट करते तो आलिया उन्हें मारती। ये सारी बातें रणवीर ने बीते गुरुवार फिल्म एनिमल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान कही हैं। रणवीर ने लॉन्च इवेंट के दौरान कहा, रील से रियल लाइफ में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं फिल्म एनिमल की शूटिंग कर रहा था तब मैं पापा बन गया था। मैं सेट पर जाता था, फिल्म की शूटिंग से जुड़े काम करता था और फिर घर जाकर अपनी बेटी को निहारता था। उन्होंने आगे कहा, जब आप इंस्पायर्ड होते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है। हमने इस फिल्म की शूटिंग 100 दिनों में पूरी कर ली थी। रणवीर ने बताया, मैं कभी भी घर पर रील वाले किरदार में नहीं जाता, ये मेरे घर वालों के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं घर जाकर फिल्म के रोल जैसी हरकत करूंगा तो मेरी बीवी मुझे मारेगी। एनिमल में अपने रोल के बारे में बात करते हुए रणवीर ने कहा, इस रोल के लिए मैं डार्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब तक का ये मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स रोल है। लोग आमतौर पर मुझे अलग तरह से देखते हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझ में क्या देखा कि मुझे उन्होंने इस रोल के लिए ऑफर दिया। 23 नवंबर को फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म में रणवीर के अलावा बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर जैसे किरदार एक साथ देखने को मिले हैं। यह फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।